डॉक्टर 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 रुके रुके मम ठीक है ना, घबराने की कोई बात तो नहीं है, सब विल बी ओके राइट। हम पिग्गी ओब्रॉय के बेटे, इनके इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा, आप प्लीज तब तक फॉर्मेलिटीज पूरा कर लीजिए। नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं एवरीथिंग ओके, कुछ ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों? और अनिका, अगर शिवाय तुझे ढूंढते ढूंढते यहां आ गए तो? कभी नहीं आएंगे वो, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच था अब सब खत्म हो गया। नहीं अनिका, ये कभी कुछ था ही नहीं, सब मेरा वहम था। आई एम सॉरी मिस्टर ओब्रॉय, हमने अपनी पूरी कोशिश की, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट कोमा में चली गई और उनके बचने के चांसेस भी बहुत कम है। ऐसे ही पुलिस पापा जी और छोटे पापा जी को गिरफ्तार करके ले गई के बाद छोटी माँ जी पीछे पीछे निकली थी, ये कह के कि उन्हें आपसे कुछ बात करनी है अनिका भौजाई के बारे में। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई और नहीं, आपकी अपनी बीवी है, क्योंकि ये सबूत उन्होंने ही हमें दिए हैं। शिवाय मुझसे हर बात छुपाते थे और मैं सोचती थी कि शायद ही उनकी आदत है, किसी को अपनी दिल की बात भी नहीं बताते, परेशानियां भी नहीं, जब भी बात मेरी और परिवार की आती थी तो वो हमेशा अपने परिवार को चुनते, और मैं ये सोचती थी कि कभी ना कभी तो मुझे चुनेंगे, कभी ना कभी तो मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे, लेकिन मैं गलत थी। मैंने कहा था उसे ना, मेरा इंतजार करना, मेरा भरोसा करना, मैंने उसे कहा था मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था। किसके लिए? उसके लिए, ताकि उसे दर्द ना हो, पिता पे लगे इल्जाम को मैं झूठ साबित कर सकूं, ताकि वो अपने पिता का नाम घर से ले सके। बुआ की हर बात मानी, बुआ ने मुझे ब्लैकमेल करने की लाखों कोशिश की, मैं होता रहा कि किसके लिए? उसके लिए। और उसने क्या किया? डैड और बड़े पापा को जेल पहुंचा दिया, बजाय मेरे इंतजार करने का, बजाय मुझ पर भरोसा रखने का, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये सब अनिका की वजह से हो रहा, आपकी इस हालत की जिम्मेदार अनिका। शिवाय सिंह ओब्रॉय परिवार के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, तो फिर मुझे छोड़ना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? मैं तो बाहर वाली हूं ना, और बाहर वालों के लिए परिवार को थोड़ी ना छोड़ा जाता है। ना वो एविडेंस लेकर पुलिस के पास जाती, ना डैड और बड़े पापा को जेल जाना पड़ता, ना आप हमारे पीछे आती, ना आपका एक्सीडेंट होता। क्यों गया निकालने ऐसा, और किसके कहने पर की? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए माँ। जब तक मैं अनिका को ढूंढ ना लूँ ना, और उससे सारे सवाल ना पूछ लूँ, मैं चैन
से नहीं बैठूंगा। शिवाय ने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा देखा है, लेकिन मेरी नाराजगी नहीं देखी। अनिका ने शिवाय से गोबरोय का इश्क देखा, मेरा गुस्सा देखा है, तड़ी देखी है, अब वो मेरी नफरत देखेगी। इस बार चुप किया है ना शिवाय, उसके लिए मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। बात करना तो दूर, कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। मैं शिवाय को भूल जाना चाहती हूँ। वादा करता हूँ आपसे मां, अनिका शिवाय की नफरत देखेगी। आओ। एक मिनट। देखो, फिलहाल के लिए तुम इस गेस्ट रूम में रह सकती हो, और ये लो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। जी, धन्यवाद। हेलो, घर के अंदर पहुंच गई जी। अब तो वहां रहती वही करेगी जो मैं कहूंगी जी। और याद रहे, मुझे किसी भी कीमत पर शिवाय चाहिए, समझी? जी, समझ गई। जी सोच रही होंगी कि वो मुझे यूज कर रही, पर एक्चुअली मैं उन्हें यूज कर रही थी इस घर में आने के लिए। आपको शिवाय चाहिए ना बुआ जी, लेकिन शिवाय तो मुझे भी चाहिए। अब मैं आपको शिवाय दे दूंगी तो फिर मेरा क्या होगा? शिवाय अगर आपका निशाना है तो वो मेरी मंजिल है। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे इस प्यारी सी खिड़की तोड़ लड़की को रास्ते से तो हटाना ही था, क्योंकि बड़ी बहन की हर चीज पर छोटी बहन का हक तो होता ही है, फिर चाहे वो नकली छोटी बहन ही क्यों ना हो। बुआ मुझे नकली छुटकी बनाकर लाई है ना, पर अपने नकली जीजा पर हक तो मैं असली जमाऊं। और कितना टाइम लगेगा? अब आ जाओ, और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ पापा, आ गई हूँ, थोड़ा सब्र रखो। इतने दिनों से सब्र ही तो कर रहा हूँ, अब और नहीं होता। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ी देर और सही, बस निकल रही हूँ। कितने दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं होता, लगता है अब मुझे ही आना पड़ेगा।
अच्छा बताओ तो सही कहां। फाइनली कौन सा नया स्टाइल है? एक कमरे से दूसरे कमरे में बात करने के लिए फोन कौन करता है? आवाज नहीं मारी जाती? अब आवाज मारता हूं तो बोलते हैं जब देखो तब चिल्लाता रहता है, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता? अब धीरे बोलना है तो फोन पे ही बात करनी पड़ेगी ना। पहली बात, मैं ऐसे बात करती नहीं हूं, और दूसरी बात, हर चीज का जवाब होता है ना तेरे पास। लेकिन मेरा कोई जवाब नहीं। हाँ ठीक है, माना तेरा कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात भूल मत, तू भाई है किसका? मेरी खिड़की तोड़ अनिका दीदी का। हमने भी बहुत मिस किया बेटा तुम्हें, और सच कहो तो जेल में रहने के बाद ये पता चला कि अपना घर अपना परिवार क्या होता है। थैंक यू शिवाय। नो प्लीज, आज मुझे कहने दो, तुम्हारी ही कोशिशों की वजह से आज हम बाहर निकल पाए हैं। थैंक यू। थैंक यू परायों को बोलते हैं, अपनों को नहीं। I'm sorry, मैं आप दोनों को लेने नहीं आ पाया। तो अच्छा हुआ ना, अगर ये काम भी आप कर लेते तो पापा बोलते कि हम दोनों से कुछ होता ही नहीं। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम अपनी स्टाइल में पापा जी और छोटे पापा जी का स्वागत करें। घर आ गए। आप भी आ जाइए ना। ये क्या है? खाना है? इतना लंबा सफर तय करना है तुझे रास्ते के लिए, भूखी थोड़े रहेगी? तू नहीं होती तो। ये बस ना अनिका, ये डायलॉग सुन सुन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अच्छा अब जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगी। और सुन, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रख। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ तू भी। ऑल द बेस्ट दी। जब भी मैं आपको इस हालत में देखता हूँ ना, खून खौलता है मेरा। जिसकी वजह से आपकी हालत हुई, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे छोड़ूंगा नहीं। तो
होना, उनका ख्याल रखना। मैं न्यूरोसर्जन से मिलने जा रहा हूँ, उनकी मेरे स्कैन दिखाने। न्यूरोसर्जन से हम मिलेंगे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है शिवाय। आप इतने दिन से डॉक्टर्स और लॉयर्स के चक्कर काट रहे हो, आई थिंक आपको चेंज की जरूरत है। एग्जैक्टली वैसे भी रूडी, शिवाय को फैशन शो पे भी तो जाना है ना। हाँ, फैशन शो। हाँ भैया, आप भूल कैसे सकते हो, आपने एक T20 टीम खरीदी है, सुपर स्मैशर्स, उसका लॉन्च है, वही पार्टी है, वहाँ पे आपको प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना था। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कंपनी के सीईओ को भेज दूंगा। तो क्या पागल हो गया? सीईओ वीओ कुछ नहीं, नहीं तू जा रहा है। अगर तू जाएगा ना तो इसी बहाने हम चारों भी जा सकते हैं। इट्स नॉट इट ना भैया, चलते हैं। कम ऑन, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो जाएगी। मुझे पता है कि साहिल के पैर में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं। साहिल के पैर में इन्फेक्शन हुआ है, उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पैर काटना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर, इस ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे? 3 लाख रुपए। परिवार के नाम पे मेरे पास एक साहिल ही तो है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती चंदा। मुझे कैसे भी करके साहिल के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। तू क्यों फिक्र करती है अनिका, भगवान सब ठीक करेंगे, तो उन पे छोड़ दे। तू बस अभी इस जॉब असाइनमेंट पर ध्यान दे। मुंबई छोड़ते वक्त सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं, नई नई नौकरी है और मना भी नहीं कर सकती थी। तो अच्छा है ना, इसी बहाने तुझे अपने आप को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा, और इसी बहाने क्रिकेटर्स और मॉडल्स को रैंप वॉक करते भी देख लेगी, मजा आएगा ना। मुझे बस अपने काम से मतलब है, मुझे इतना अच्छा काम करना है कि उस इवेंट कंपनी में मेरी नौकरी पक्की हो जाए, और फिर मैं 3 लाख का लोन ले सकूं साहिल के ऑपरेशन के लिए। अरे सब हो जाएगा, तो क्यों टेंशन लेती है? पर उसके लिए पहले तुझे मुंबई जाना पड़ेगा। ओके, चल अब जा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू चंदा, ध्यान रखना। जी सुनिए जी, कभी कभी तो हमें इस चिरैया पे तरस आता है, बेचारी ना इधर की है ना उधर की। पहले भी जब भौजाई गई थी, बड़े भैया जीना भूल गए थे। जब तक अनिका भौजाई नहीं मिल जाएगी, भैया जिंदगी से ऐसे ही रूठे रहेंगे। भौजाई कहाँ है आप? ज़्यादा सोच मत अनिका, भले ही शहर से तेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, लेकिन तुझे पीछे नहीं, आगे देखना है। साहिल के लिए तुझे ये फैशन शो अच्छे से करवाना है, ताकि तेरी कंपनी में नौकरी पक्की हो जाए और तू साहिल का इलाज करा सके। बस डर ये है कि मेरा पीता हुआ घर कोई रहता ना फैलाते। अना कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। से इतना नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए हैं, कब से बोल रखा है, मुझे जानना है वो कहाँ है। जो व्हाटएवर इट टेक्स, पता करो वो कहाँ है, ढूंढो, मुझे चाहिए जवाब। यस सर। क्या करूं मैं, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता वो कहाँ है, मैं हिसाब बराबर नहीं कर पाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।